आज का जो विलाग है ये ईद के हवाले से है, ईद उल फितर के हवाले से। जो दफ्तर से मैं ड्यूटी से निकलकर अरफे के दिन घर पहुंचा, सीधे घर पहुंचने के बाद अपने बच्चों को लेकर और अपनी वालदा मोहतरमा को लेकर मार्केट आए। तो वहां से शॉपिंग करने के बाद हम सीधे यानी रवाना हुए। तो ईद के दिन बच्चों को लेकर मशहूर ज़माना जो जीली बदर है, उसके एक तरफ पहाड़ी सिलसिले में जो गुरुरा के नज़दीक है, उधर विंटेज पार्क चले गए। और बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। बच्चे चारों बच्चों तरफ ने वहाँ मोहम्मद पर जवाद, मोहम्मद इबाद, बेटी अनीशा और एंजॉय बेटी किया। ईद के हवाले से मामा चारों तरफ शॉपिंग खुद की बच्चों ने। यहाँ पर इस पार्क में थोड़ा बहुत पे कराया बच्चों ने, कुछ मोहम्मद खाने की जवाद, चीज़ें यहाँ पर मोहम्मद पे इबाद, कराई उन्होंने। बेटी अमामा, बेटी आप देख अनीसा मेरे सकते हैं यहाँ साथ, पर चारों बच्चे थे। तो बेहतरीन जगह ये बदर विंटेज पार्क, तो बहुत ही अच्छी पार्क यहाँ पर है डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में। आप देख सकते हो बच्चों ने खूब एंजॉय किया यहाँ पर ईद। अभी आप देख सकते तो हैं, ये आप देख सकते हैं जीली बुलर, आ जा आ जा आ जा, फेमस झील जो है, चलो गाड़ी यहाँ, मैं गाड़ी में मीठे देखता हूँ। पानी की जो एशिया की सबसे बड़ी झील है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर वुलर विंटेज पार्क जो है, रियासत जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत है उन्होंने बनाई है यहाँ पर। दूर वर्ल्ड फेमस ये वोलर लेक आप देख सकते हो, दूर तक पूरा यहाँ यहाँ पर पर बैकग्राउंड आप में देख सकते ऐसे हैं, हर तरफ गोल पानी ही भुजन है। पानी, नहीं इसके हरियाली पास है, किस पार्क में खूबसूरत पार्क। बच्चे है तो है, क्योंकि इस पार्क में अभी ये नई बनाई गई है, इसमें तो जो बच्चों की फैसिलिटी है वहाँ पर झूले वगैरह बाकी चीज़ें वो अभी तक यहाँ पर इंस्टॉल नहीं की गई हैं, इसलिए बच्चे जो हैं वो चिल्ड्रन पार्क जो है दूसरी पार्क वहाँ पर जाने की जिद कर रहे हैं। साथ मेरे भाई भी हैं, आप देख सकते हैं। अभी शॉपिंग करने के लिए बच्चे गए हुए हैं, ये बेटी अमामा आ रही है, उसके बाद मोहम्मद आ रहे हैं, उसके बाद बेटी अनीसा और मोहम्मद जवाद अब आ रहे चलो भाई हैं। तो साथ अबाद पहले बेटी थे, अनीसा और जवाद, मोहम्मद जवाद आ रहे मोहम्मद हैं। अनीसा, तो चारों ओवरऑल बच्चे आप देख सकते हैं यहाँ से हम और नहीं की वाले बहुत सीधे इंजीनियर हूँ अब निकल रहे यार हैं। का दिए स्टाफ उस पर्सन पातुल गाड़ी पार्किंग यहाँ पर रखी गई है, गाड़ी यहाँ पर हमने पार्किंग की हुई है। तो चारों बच्चे मेरे साथ जा रहे हैं। तो यहाँ से हम सीधे निशात पार्क बांडीपोरा जाएंगे। तो ये हमारा जो है अपना ज़िला है, ज़िले बांडीपोरा। तो यहाँ से फेमस जो टूरिस्ट स्पॉट है गुरेज का, वो भी यहाँ से नज़दीक है बिल्कुल। तो हमारी असली बुनियादी पैदाइश वहीं की है, गुरेज की, और हमारी ज़बान जो है वो अलग है, शीना ज़बान, जो पूरे गिलगित बल्तिस्तान में और नीलम वैली में बोली जाती है। तो अभी ये गाड़ी जो है मैंने पिछले साल 2023 में ली थी, इसकी बुकिंग 2022 में हुई थी, उसके बाद 2023 में तकरीबन एक साल बाद ये गाड़ी आई। अर्टिगा है, एक्स आई वी, सेकंड टॉप मॉडल है।
तो ये ऑन रोड इसकी प्राइस जो होगी पूरी फाइनेंस के साथ और तमाम जो भी इसकी एक्सेसरीज थे 12.5 लाख इंडियन करेंसी में इसकी कीमत आई। तो यहाँ से अब हम अपनी व्हीकल अर्टिगा में सीधे अब गुलशन पार्क की तरफ जा रहे हैं। तो ईद के दिन तो अपनी जो है तमाम जो भी ज़रूरियात हैं या जो भी मशागिल हैं उनको छोड़कर बच्चों के जो शौक हैं वो पूरे करने पड़ते हैं। अब मैंने सबसे पहले यहाँ पर बच्चों को ही तरजीह दी, मैंने कहा कि बच्चे जो हैं वो खुश हुए तो दिन भर जो है वो सुकून से गुजरेगा। तो यहाँ पर चेक पोस्ट हमने क्रॉस किया वो विंटेज पार्क जो है अब हमने पीछे छोड़ रहे हैं हम इसको छोड़कर सीधे बांडीपोरा ज़िले बांडीपोरा की तरफ जा रहे हैं हम अपने ना जो ज़िला है। खूबसूरत झील आप देख सकते हैं, इसमें ड्रेजिंग का काम चल रहा है पिछले 2-3 साल से, तो काफ़ी इसमें जो है वॉकवे बनाया गया है राउंड में, इस पर काम चल रहा है। इसमें बिलवाड़ की तरह जो जीरे डल के यहाँ पर फैसिलिटी है बच्चों की जो झूले वगैरह है वो यहाँ पर आगे हुए हैं। ये निशात पार्क जो है मेन टाउन बांडीपोरा में है, जिले बांडीपोरा में, यहाँ पर मुल्की और गैर मुल्की सयाह जो है साल भर आते रहते हैं। और जो यहाँ से आगे हैं तकरीबन 88 किलोमीटर की दूरी पर आगे जो हमारा अपना इलाका है गुरेज का, वादी गुरेज का, ये जो है LOC के ऊपर है, पार्क में आए हम पाकिस्तान इंसान जो सरहद है उसके ऊपर वाला का खूबसूरत इलाका है। तो वो भी यहाँ से आगे है, नेक्स्ट व्लॉग में उस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तो खूबसूरत आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर बिल्कुल आए हैं अपनी फैमिलीज के साथ, तो ये ईद मनाने। तो झूले पे अब बच्चे झूला झूल रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के झूले यहाँ पर हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चों की फैसिलिटी रखी गई है। कुछ तो यहाँ पर उनमें ख़राब हालत में है लेकिन काफ़ी कुछ अच्छे भी हैं। अभी बात जो है झूला झूलने के लिए चले हैं, बच्चे एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, कोई पीछे से धक्का कर रहा है, कोई पीछे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद अपनी बारी लेने की कोशिश करता है। तो दोनों बच्चे यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। मोहम्मद इबाद के बाद अब जो है झूला झूलने के लिए दूसरे अब जवाद को बारी दी है, मोहम्मद जवाद अब चले हैं। दोनों बच्चों ने झूला झूल उसकी बारी आ गई, मेरे छोटे भाई पीछे इनको वहाँ पर मदद कर रहे हैं झूला झूलने में। बचाओ मादू घुबरा घुबरा मादू मादू मादू। अगर और आलम देखें काफ़ी अच्छी जो है एज की जो एक्टिविटी थी वो यहाँ पर मनाई गई है।
ये बेटी अनीसा यहाँ पर है। अब यहाँ से हम यहाँ से अब विदा जुड़ने के बाद बच्चे खुशी खुशी अब घर की तरफ निकलने की सोच रहे हैं, खुद जिद कर रहे हैं कि घर जाएंगे, क्योंकि भूख भी लगी है। तकरीबन दोपहर के 1 बजने को हैं, अभी अजान भी होगी तो जहर की नमाज भी अब अदा करनी है। तो बच्चे अब यहाँ से बेटियाँ अपने सहेलियों के साथ बेटे मामा और बेटे ने साथ में फ्रेंड्स के साथ जो उनके स्कूल के फ्रेंड्स हैं उनके साथ यहाँ पर बैठे हैं, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं, ईद की मुबारकबाद। तो आज का दिन जो है ये बच्चों के नाम था, उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। अभी स्किडिंग दूरे में निकलते निकलते अभी भी इसमें कोशिश कर रहे हैं बारी का, कुछ बारियाँ बनी हुई है आगे उससे जुड़े में गए चले गए दोनों भाई। तो बच्चे जो हैं ये काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं बच्चे। तो आज की जो ये विलाद है बच्चों के नाम, अपने बच्चों के साथ साथ जितने बच्चे हैं उनके नाम हैं, लेकिन क्या करें कुछ हमारे वो इस खुशी को नहीं मना सकते हैं। था वो घुमरा मन कायम हो। अब यहाँ से हम घर पहुँच गए फाइनली। अब तो देख सकते हैं तो अपने मरकजी दरवाजे को से निकल कर गाड़ी में अगल ऑलरेडी पार्क की हुई है, यहाँ से निकल कर अब सीधे मैं अपने गाड़ी पार्क की मैंने के अंदर जो है बरामदे के बच्चे ऑलरेडी चले गए हैं। सीधे मैं अपने बरामदे से घर में सब इस वक्त अपने वालदा मोहतरमा के पास, वो इस वक्त बावरची खाने में शायद चाय या कुछ ले रहे चाय पी रहे हैं वालदा मोहतरमा। सीधे मैं बावरची खाने दिखाने का मकसद ही था कि आप भी इसे महसूस होंगे, उम्मीद है आप सबको पसंद आया गाइस। मेरी तरफ से तमाम ईद की खुशियाँ आपको भी मुबारक, वॉच कर रहे हैं उनको ईद की 1.5 साल में जो खुशियाँ हैं वो मुबारक हों, आगे भी ईद अजहा जो ईद कुर्बान। थैंक्स फॉर वॉचिंग व्लॉग, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं। यहाँ पर जो इबाद हैं उसके रूम में देखते हैं वो क्या कर रहे हैं मोहम्मद इबाद, वो नाटी हैं बच्चे थोड़ा बहुत वो बाद यहाँ पर गेम खेलने जा रहे हैं। ये कौन सी गेम खेलते हैं बेटा? फ्री फायर गेम है। तो चैनल क्यों नहीं बनाते आप? थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ्री फायर कैसे लगे हैं इबाद हैं यहाँ पर मोहम्मद इबाद सामून गाइस। नेक्स्ट अपने रूम में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलो गाइस थैंक्स।